ऐसी बस में नहीं बैठी होंगी, आप ऐसी बस में नहीं बैठी होंगी, ये सिर्फ वही बैठते हैं जो करतारपुर बॉर्डर पे आते हैं। ये रुक गया ऐसे, हटा ही नहीं ना, हटा ही नहीं, ये यहाँ पे ये लिखा हुआ ना, उसकी हिस्ट्री पड़ी। वाओ, चंदा वगैरह डाला है। ये नारोवाल की तरफ जाते हुए रास्ते में आपको ये पेट्रोल पंप मिलेगा, यहाँ पे रुकना और आपको यहाँ पे बेहतरीन किस्म की गुड़वाली गाइस। ये मैंने मीशू के लिए स्ट्रॉबेरी तोड़ ली है, अब मीशू खाएगी, खाएगी मीशू, ये पकड़ लो, अभी नहीं खाना दो के खाएंगे। आज हम लोग पहुँच गए करतारपुर बॉर्डर, यहाँ पे फूड स्ट्रीट तो पता नहीं मिलेगी की नहीं मिलेगी फूड स्ट्रीट फूड, लेकिन जो मिलेगा आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहिएगा। बाबा हाँ जी, तो पहुंच गए हैं जी। जी हम करतारपुर बॉर्डर पहुंच चुके हैं। हाँ, और हम लोग अभी इंशाल्लाह एंट्री ले रहे हैं यहाँ से। हाँ, यहाँ बस में बैठ के हम जाएंगे। जी जी, हम बस में बैठ के आराम जाएगा। ये देखो बड़े बच्चों के लिए है, आप भी छोटी बेबी हो, अभी छोटी बेबी हो आप, बेबी वो बड़े बच्चों के लिए है, अभी अभी आप अल्लाह मियां से दुआ करो। मीचू क्या लिखा हुआ है बाबा, हिंदी पढ़ के आती है, क्या लिखा हुआ है? वाहे गुरु जी दा खालसा ते वाहे गुरु जी दी दीदी खैर खैर। मीशू का है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो सीन ये बना है हमारे साथ के बच्चों को उन्होंने कहा है कि नो एंट्री। पहले बताएं प्रोग्राम तो बढ़ गया, प्रोग्राम क्यों के प्रोग्राम तो बढ़ गया, ठीक है, वो इस वजह से कि जो बच्चे हैं उनका बेफॉर्म नहीं है, बेफॉर्म आपको ऑनलाइन मिल नहीं सकता, घर पे कोई है नहीं जिसे हम बेफॉर्म ले सकें, और हमने अपनी बच्ची का बनवाया, हमने अभी अपनी बच्ची का बेफॉर्म बनवाया नहीं है, इसलिए हम लोग करतारपुर नहीं जा सकते, हमने उन्होंने हमें बॉर्डर पे रोक लिया, अब हम लोग कहीं और जाएंगे, आपको दिखाएंगे साथ साथ। मुक्के नहीं मारने, अब मुक्कों वाला मजाक नहीं करना मैं आपको। हाँ जी गाइस, हम लोगों ने फिर एंट्री करवा ही ली है, फिर जब तालुका दो तो लोगों की, और हम लोग जा रहे हैं। मिल गए मीशू, अपना कार्ड दिखाओ, ये देखो इन्फेंट का कार्ड, क्योंकि हमारी बच्ची तो वैसे ही 2 साल की है, तो हम लोगों को तो कोई पैसे पूसे कुछ चार्जेस कुछ भी नहीं है, ठीक है। हाँ। अभी हम आपको अंदर ले जाके सीन्स दिखाएंगे, स्टे विद अस। सो गाइस, आज हमारी शादी को 4 साल हो गए हैं, और बाबा एनिवर्सरी मनाने के लिए हमें करतारपुर लेकर आए हैं। कोई माता तो नहीं टेकना, चलो देखो बाबा जा रहे हैं। बाबा वो क्या कह रही है, पिक्चर खींच रही हूँ भाई। सजन सचा पातशाह दावे सा पिक्चर भी ले लो।
बॉम्ब है जो इंडिया ने मारा था करतारपुर के ऊपर। अच्छा, ऐसे ही करतारपुर पे ही मारा था ना, जब इंडिया पाकिस्तान की जंग हो रही थी तब उन्होंने मारा था। स्ट्रेंज यार, ये रुक गया ऐसे, हटा ही नहीं ना, हटा ही नहीं, लिखा हुआ ना उसकी हिस्ट्री पड़ी। यहाँ लोगों ने वही तो चंदा वगैरह डाला है। गाइस ये देखिए मीशू भाग गई और बाबा मीशू के पीछे भाग रहे हैं। गाइस अगर आप यहाँ पे आए तो बच्चों के साथ मत आइएगा, एक तो बेफॉर्म का बड़ा चक्कर है, बेफॉर्म का बहुत चक्कर है, दूसरा उसके बाद यहाँ पे बच्चे जो है ना इधर उधर गायब हो जाते हैं, जगह बहुत है ना, भागे जा रहे हैं। लेकिन यार इन्होंने बहुत अच्छा मेंटेन किया है सारी चीजें। देखिए बहुत सी ऐसी जगहों पे जहाँ पे हम लोगों ने आप तस्वीरें दिखाएंगे हम आपको। सजन सचा पातशाह, हम वहाँ पे वीडियो नहीं बना सकते थे, फोन अलाउ ही नहीं था, और बहुत सी ऐसी जगहें भी थी जहाँ पे हम जा ही नहीं सकते थे, तो हम लोग स्पेशल प्रोटोकॉल के साथ इसलिए हम लोग चले गए। तो आपको अभी व्लॉग में देखिएगा, अब हम आपको नेक्स्ट दिखाते हैं कि हम क्या खाना पीना करते हैं, क्या हमें कोई स्ट्रीट फूड यहाँ पे मिलता है कि नहीं मिलता। देख के भाई गाड़ी के आगे ना आ जाए, सब कुछ मेरे पास ही है। चले 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 बैठे हैं। ये बस बड़ी वीआईपी बस है, आप ऐसी बस में नहीं बैठी होंगी, आप ऐसी बस में नहीं बैठी होंगी, ये सिर्फ वो बैठते हैं जो करतारपुर बॉर्डर पे आते हैं। नारोवाल में कोई रेस्टोरेंट मिला है मून ग्रिल, जिसको मैं मोहसिन समझ रहा था, मोहसिन मेरा दोस्त मोहसिन, ये ग्रिल है, फैमिली रेस्टोरेंट है, अब यहाँ पे हम सीन्स आपको चेक करवाते हैं इनको। चले मून ग्रिल। जी उस्मान साहब बताएं क्या ऑर्डर कर रहे हैं हम लोग। यार हम देख रहे हैं, हम दाल माश ऑर्डर करेंगे, हम लोग नारोवाल आए हैं, हम लोग दाल माश खाने और उसके बाद हम ऑर्डर करेंगे कढ़ाई श्राई, कढ़ाई शड़ाही और पीछे 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 हो जाओ। चल यार डाल यार छोड़ दो, चलो जो भी है पाव पसंद की मां का, इतने शिष्टे करने की क्या जरूरत है। भाई टेस्ट बहुत अच्छा है फूड का, कढ़ाई जो थी इनकी वो शिनवारी बनवाई थी, पिशावरी कढ़ाई, शिनवारी कढ़ाई, तो उसकी ग्रेवी हम लोगों ने ज़्यादा करवाई थी, कढ़ाई बहुत अच्छी थी इन लोगों की, बहुत टेंडर जो है अच्छी तरीके से गला हुआ था गोश्त, और फिर जो इनकी बारबेक्यू प्लेटर था उसकी चीज़ बोटी बहुत अच्छी थी, पता नहीं कौन कौन सी बोटियाँ थी, हमने तो खा ली दाल माछ, और दाल माश बहुत अच्छी, दाल माश में एक किरक होती है, नॉर्मल रेस्टोरेंट्स में ना वो सही पकती नहीं है, इनकी दाल के अंदर ज़रा सी भी किरक नहीं, बहुत अच्छे तरीके से साफ़ सुथरी और गली हुई है। तो ओवरऑल मैं इसको जो है रिव्यू के अंदर 7.6 मार्क्स दूंगा, ठीक है, उसकी वजह ये है कि नॉट बैड, उसकी वजह ये है कि जो लेवल मैं कराची से खा के आ रहा हूँ ना बारबेक्यू का और कढ़ाई का, वो ये मीट नहीं कर सकती, लेकिन ठीक है यार अच्छा था। हाँ नारोवाल के अंदर रहते हुए तो ये बहुत अच्छी जगह है, और यहाँ पे रश बता रहा है, रश बता रहा है कि लोग यहाँ पे बहुत आ रहे हैं, यहाँ पर्दे का निजाम भी है। हाँ जी। अच्छा गाइस तो सीन ये है कि यहाँ से वापसी पर हम लोग एक पॉइंट पे रुके, ये पॉइंट है दरवेश होटल एंड रेस्टोरेंट,
खाना हम खा चुके हैं, अब हमने सोचा कि हम शाम की चाय पी लें, साथ में कुछ हल्का फुल्का स्नैक कर लें। तो ये लिखा हुआ है कि होटल एंड रेस्टोरेंट है और जायके से भरपूर खानों का मरकज़ है ये, ठीक है। तो हम सोच रहे हैं कि यहाँ से ज़रा जायके मैं आपको बताता हूँ सर, ये नारोवाल की तरफ जाते हुए रास्ते में आपको ये पेट्रोल पम्प मिलेगा एग्री मॉल के नाम से, ठीक है जी, के नाम ये पेट्रोल पंप है और आपने यहाँ पे रुकना और आपको यहाँ पे बेहतरीन किस्म की गुड़ वाली चाय मिलेगी, जरूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह जरूर ट्राई करेंगे सारे लोग। ये घर चेक करें सामने, कितना माशाल्लाह खूबसूरत बना रही है और आप लोगों को नजर आ रहा है, बहुत पैसा लगता है लोगों के पास यहाँ पे। लेकिन गाइस यहाँ पे पानी की भी जगह है, यहाँ पे आप चाहें तो किसी को लगाएं निकालने पे और आप एक तारी लगा लें, यहाँ पे नहा भी सकते हैं। यहाँ को टनवादम की तरह यहाँ पे भी हैंडपंप मिल गया है, हाथ धो लो, ये दो दो हाथ बस मुंह धो लो, मुंह धो। चाय पीने के लिए रुके हैं, आप छोड़ दो यार, दाया अम्मा देख लो उसको, देख रहा हूँ मैं, इस पे रखो, इस पे रखो। मिशू क्या हुआ, मिशू को क्या हुआ, ये है दाया, नहीं हुआ यार दाया बाबा, जल्दी बड़ी मजेदार चाय, अरे वाह क्या बात है, अरे वो वाले तो हो गए, तो हो गए, तो हो गए, तो हो गए, बस गई हैं हम, ऐसा ना आप ऐसा तो खा गई है ऐसे, ले स्ट्रॉबेरी तो वैसी दुश्मन है, ये ले यार। गाइस सीन ये है कि जहाँ पर हम लोग ने चाय पी है ना, चाय बहुत ज़बरदस्त थी दरवेश होटल की। मज़े की बात ये है कि इसके पीछे ही यहाँ पे जो है ये बैक साइड पे, यहाँ पे होटल के बिल्कुल बैक सामने तो वो है स्ट्रॉबेरीज के खेत। तो अभी हम लोग उन खेतों की तरफ जा रहे हैं कि हम लोग जो है दिखाते हैं आपको सीन्स क्या हैं उसके। कहां से नीचे कहां से जा सकते हैं, नीचे खाल पाई है, उधर चल आ जाओ, देख के देख के देख के देख के देख के आप चलो ना यार, गाइस ये है स्ट्रॉबेरी के खेत खूबसूरत, और जो है हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं नारोवाल के पास। स्ट्रॉबेरीज अभी पूरी तरह पकी नहीं है, हम लोगों ने टेस्ट की हैं लेकिन वो अभी कच्ची हैं। तो मीशू क्योंकि स्ट्रॉबेरीज की लवर है तो वो कहती है कि मैं सब खा जाऊँगी यहाँ। गाइस ये देखें मीशू जो है स्ट्रॉबेरीज की दीवानी है और ये पहुंच गई है स्ट्रॉबेरीज की दुनिया में। ये देखें कितनी प्यारी स्ट्रॉबेरी है माशाल्लाह से, ये कितनी प्यारी स्ट्रॉबेरी है। मिशू इसके पर जो है ना जरासीम होते हैं, बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है जब कोई इसको खाता है। ये भी चेक करें गाइस, मिशू आप क्या खा क्या चाहती हो, क्या करना चाहती हो, इनको खाना चाहती हो। गाइस ये देखें कि पत्तों के अंदर कितनी खूबसूरत स्ट्रॉबेरीज है, बहुत मजेदार। चलो बेबी चले, नहीं नहीं चले चले बस बहुत है, बस बेबी बहुत आ जाओ बस, ठीक है प्लीज प्लीज प्लीज, नहीं नहीं कच्ची है ये, कच्ची है, मैं आपको पकी भी देता हूँ, ये छोड़ दो आप, मैं आपको पकी भी देता हूँ, आपको इधर आओ, मैं आपको पकी भी देता हूँ, इधर आओ इधर आओ, ये देखो ये है पकी हुई, ये देखो ये पकी हुई है, एक गाइस मीशू जा रही है स्ट्रॉबेरी के बगैर ही, तो मैं सोच रहा हूँ एक कोई स्ट्रॉबेरी उसके लिए यहाँ से निकाल ही लूँ, एक कोई स्ट्रॉबेरी अच्छी सी पकी हुई स्ट्रॉबेरी मुझे यहाँ पे एक नज़र आ रही है। हाँ हाँ आप चलो मैं लेके आ रहा हूँ। गाइस ये मैंने मीशू के लिए स्ट्रॉबेरी तोड़ ली है, अब मीशू खाएगी, खाएगी मीशू ये पकड़ लो, अभी नहीं खाना, धो के खाएंगे, धो के खानी नहीं है, आपको मना किया यार,
खानी नहीं है, गंदी है ये, खानी नहीं है अभी, वॉश करके खाएंगे, छोड़ दो। जबरदस्त, अभी पकी नहीं है लेकिन बीच में से बहुत बहुत पकी हुई है यार। अच्छा गाइस, तो सीन ये है कि अब हम लोगों ने चाय शाय पी ली है और स्ट्रॉबेरीज भी हम लोगों ने खा ली है, एंजॉय कर ली है। अब हम लोग जा रहे हैं वापसी के सफर पे। ये देखें ये सूरज कितना खूबसूरत लग रहा है, अभी आपको शायद सूरज नजर आए साइडों पे, ये राइट साइड पे होगा। अब हम लॉन्ग ड्राइव एंजॉय करते हुए घर जा रहे हैं। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर, ठीक है? अगर आप नहीं करेंगे तो हमारे ये एडवेंचर्स ऑब्वियसली ख़त्म हो जाएंगे और आप फिर ये जो बला है इसको दोबारा नहीं देख सकेंगे। तो सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। ये जी हमें हरजीत एडवेंचर्स मिले हैं, ये माशाल्लाह से ऑस्ट्रिया से ट्रेवल कर रहे हैं इंडिया की तरफ। जी हम भी व्लॉगर हैं और आप भी व्लॉगर हैं। इनकी माशाल्लाह गाड़ी चेक करें आप, क्या जबरदस्त राइड बनाई हुई है, ऑस्ट्रिया टू इंडिया हरजीत एडवेंचर्स, वाओ नेक्स्ट लेवल। ये यहाँ से चले हैं ऑस्ट्रिया से बॉस्निया, स्लोवाकिया, क्रोशिया एंड तुर्की, ईरान और उसके बाद पाकिस्तान, इंडिया। सो देखिए अभी मुलाकात हुई है मुझे सभी बहुत ही प्यारे लोगों से, और जो YouTube चैनल आप देख रहे हो मीशू और मामा का, सो ये चैनल आप जाइए सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और अपने सज्जनों मित्रों के साथ शेयर कीजिए। क्यों? क्योंकि अभी हम हैं ऑस्ट्रिया से चल रहे पाकिस्तान जर्नी पर पहुँचे हैं और प्यार से गप्पे शप्पे मार रहे हैं यहाँ पर। आगे भी मिलेंगे, आपके लिए सरप्राइज़ भी है और डिनर का प्लान हो रहा है, तो फिर और बातें करेंगे और आपको सरप्राइज देंगे। फिलहाल आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, थैंक यू।